नमस्ते, श्री जी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गर्मा गर्म विंटर सीजन में एक बार जरूर खाए जाने वाला ही गर्म गर्म आलू टिक्की, जो बहुत ही आसान है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सफ़ेद मटर का यूज़ किया है। इन सफ़ेद मटर को हमने रात भर पानी में भिगो दिया है। ये यहाँ पर मैंने ली हैं 200 ग्राम सफ़ेद मटर ली हैं। उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए हमने सभी मटर को अच्छी तरह से धोकर पानी में इतना पानी डालेंगे कि वो डूब जाए। मतलब यदि आपके एक गिलास मटर है तो आप दो गिलास उसमें पानी डालिए, और उसमें आधा चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी और थोड़ा सा सोडा, जिससे वो जल्दी गल जाए, हम उबालने के लिए रख देंगे। अब ये बॉयल हो रहे हैं, जब तक हम स्टार्ट करते हैं इसकी फिलिंग के लिए यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए हैं, थोड़ी सी उबली हुई मटर ली हैं, और कुछ हमने महीन कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, और कुछ हमने मोटी हल्की सी बस ग्राइंड की है अदरक। तो हमने ऐसे दो तरह से अदरक को यूज़ किया है। अब इन उबले हुए आलुओं को हम घी अकस से घिस लेंगे। ये देखिए, आलू के अंदर की जो हम फीलिंग करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भल्ले बनाने के लिए। तो पहले आप इसको प्रिपेयर जरूर करें, उसके बाद टिक्की की तैयारी करें। तो इसमें अदरक भी हमने दो तरह का यूज़ किया है, एक महीन अदरक ली है और एक हमने ली है मोटी अदरक। तो अब इन सभी आलुओं को हमने घिसकर तैयार कर लिया। ये देखिए, मैंने सभी आलू मेरे घिस के तैयार हो गए हैं। अब घिसे हुए आलुओं के साथ हम उबली हुई मटर, थोड़ा सा हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए अरारोट पाउडर, मतलब कॉर्नफ्लोर पाउडर, वो हम डालेंगे एक चम्मच, और अच्छी तरह से इसको मैच कर देंगे। बॉइल्ड मटर हैं तो आपके दाने बिल्कुल भी चमकने चाहिए, हमें अच्छी तरह से उसको मैच करना है। उसके बाद हमने महीन कटी हुई जो हमारी अदरक थी वो ऐड कर दी है, और इसमें हमने ऐड कर दिया है हरी मिर्च, जो इसको बहुत ही टेस्टी भी बनाएगा और बहुत ही क्रिस्पी भी बनाएगा। तो हरी मिर्च डालने से ये बहुत तीखापन भी आएगा। तो तैयार है हमारी अंदर की स्टफिंग। अब इसकी स्टफिंग हो गई तैयार, अब हम तैयार करते हैं भल्ले बनाने के लिए टिक्की। तो टिक्की बनाने के लिए फिर से हमने उबले हुए आलू को इसी तरह से घिस लिया है। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं और इनको अच्छी तरह से सब घिस घिस के एक लोहा तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सभी आलू हमारे घिस के तैयार हो गए हैं। हम एक एक करके सभी आलू को घिस लेंगे, और ये सब तैयार हो गए हमारी आलू की पिट्ठी। इस समय आलू बहुत ही नए आलू जो हैं वो बहुत उसमें लस आ रहा है, तो आप हल्का सा ऑयल भी अपने हाथों पे लगा लें जिससे वो चिपकेगा नहीं। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर पाउडर, मतलब अरारोट। इसमें भी हम जैसे हमने टिक्की में डाला था अंदर स्टफिंग में, ऐसी हम इसमें भी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अच्छी तरह से उसको मैच कर देंगे। ये देखिए, सब मैच होने के बाद हमने एक छोटी सी लोई बनाई और उसकी जो फिलिंग तैयार की थी वो हम इसके अंदर भर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये इस तरह से फिर उसको हम कवर करके बंद कर देंगे और उसको एक लड्डू की शेप दे देंगे। ये देखिए, अब टिक्की हमारी एकदम तैयार है। इसी तरह से मैंने सभी आलू को बनाकर तैयार कर लिया है। आलू टिक्की तैयार हो गई, फिलिंग तैयार हो गई। अब उधर हमारे मटर के जो छोले हमने भिगोए थे वो भी बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए, उसका टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि इसको हम ऊपर से डालेंगे तो ये लिक्विड इसका ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो मटर के छोले भी हमारे तैयार हैं, अब उसको हम करेंगे डीप फ्राई। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है मेरा बहुत तेज, अब उसमें हमने डाल दी है ये टिक्की। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 टिक्की एक बार में डाली हैं, और उसको हम हाई फ्लेम पर सेकेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम यदि हम रखेंगे तो वो आलू जो है वो फटने का भी कभी कभी डर रहता है। तो आप पहले स्टार्टिंग में फ्लेम हाई रखें, जब वो सिक जाए तो आप मीडियम फ्लेम पर उनको कुरकुरा होने तक तलें। ये देखिए, बहुत अच्छा कलर भी आ गया है ब्राउन, और ये बिल्कुल भी फटे नहीं हैं और बहुत ही कुरकुरे भी लग रहे हैं, क्योंकि हमने अरारोट का यूज़ किया है। तो इसी तरह से यदि भल्ले यदि घर में बन जाएं इतनी विंटर सीजन में, तो क्या बात है, एक बार तो जरूर बनने चाहिए। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल भल्ले हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। प्लेटिंग अब हम इनकी करेंगे। सभी प्लेटियों को एक प्लेट में रखिया है, और आप इसी तरह से चटनी सौंठ के साथ उसको एंजॉय कर सकते हैं। और एक दूसरा है कि हम इनको बहुत ही और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हल्का हल्का सा हम तवे पे प्रेस करके पलटे से और उनको बहुत ही कुरकुरा होने तक सेकें। तो मैंने कुछ भल्ले इस तरह से बनाए हैं जो अच्छी तरह से खूब कुरकुरे हो गए हैं। अब हम उनको अलग अलग प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए, अब हमारे दोनों तरह से टिक्की तैयार है। अब हम उसकी स्टार्ट करते हैं प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने उसको
ठेल का स्टाइल मतलब स्टील स्टाइल देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक दोने में भल्ला, उसके ऊपर मैंने डाले मटर के छोले, फिर उसमें हम ऊपर डालेंगे थोड़ी सी एक चम्मच चटनी, अब इसमें जाएगी सौंठ, फिर उसके बाद हम ऊपर से इसको हल्का तीखापन लाने के लिए हम इसमें डालेंगे महीन कटी हुई घिसी हुई मूली का कस जो इसको बहुत ही टेस्टी बनाएगा, थोड़ी सी अदरक, नींबू और हरी मिर्च मसाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की चॉइस है। तो तैयार है हमारे गर्मा गर्म आलू टिक्की, स्ट्रीट स्टाइल विंटर सीजन का बहुत ही फेमस गर्मा गर्म नाश्ता।